मित्रों, एक बार फिर स्वागत है हमारी लोकप्रिय स्वास्थ्य विषय श्रृंखला हेल्थ केयर में। आज हम बातचीत कर रहे हैं सुरक्षित मातृत्व यानी सेफ मदरहुड पर, और हम अपने आप को काफ़ी सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे साथ स्टूडियो में शहर की जानी मानी वरिष्ठ ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर जागृति जी शाह मौजूद हैं। किसी भी देश की आरोग्य व्यवस्था या यंत्रणा, उसका अगर हमें महत्व प्राप्त करना या किस तरह से उस संस्था काम कर रही है, तो उसका जो सूचकांक होता है जिसे हम हेल्थ स्टेटिस कहते हैं, वो पता चलता है कि वहाँ पर मैटरनिटी मॉर्टलिटी रेट यानी महिला मृत्यु दर या नवजात शिशु मृत्यु दर कितनी है, ये जन्म लेने वाले बच्चों की मृत्यु दर, तो जितनी कम होगी वहाँ की वो हेल्थ केयर उतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, अच्छे से काम कर रही है। और जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ पूरे विश्व की अगर 5 में से 1 महिला हमारे देश की होती है, तो ये हमारे लिए खेदजनक और कुछ हद तक शर्मनाक बात है। मित्रों, हमारी तरफ से पूरी कोशिश होनी चाहिए, चाहे हमारे घर में कोई गर्भवती महिला हो चाहे नहीं हो, आसपास में जहां हम देख रहे हैं, तो एक जिम्मेदार नागरिक के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि उसे इस यात्रा में, सफ़र में अगर कोई रुकावट आ रही है तो उसे दूर करने में हम पूरी मदद करें। मैम, अब जब शब्द यात्रा का आया तो बहुत बार ये होता है कि किसी गर्भवती महिला को कहीं यात्रा सफ़र पे निकलना पड़े ट्रैवलिंग के लिए, तो चाहे बस से हो, चाहे ट्रेन से हो, या अब तो जैसे एयर रूट भी काफ़ी बढ़ गया विमान के द्वारा, तो इस समय उन्हें क्या करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न है कि एक्सरसाइज या जो रूटीन हमारी काम होते हैं उस विषय में आप क्या सलाह देनी चाहिए। हाँ जी, ट्रैवल के बारे में सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बताना चाहूँगी कि जो भी महिला है, यदि वो अपने शहर के अंदर में ही मे बी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर कितना भी चलाती हैं, कोई व्हीकल चलाती हैं, चाहे वो अपनी 2-व्हीलर हो या 4-व्हीलर हो, जिस तरीके से वो पहले से चलाते आ रही है वो चलाना शुरू रखे। क्यों? क्योंकि वो उसको यूज़ टू है, उसे पता है कि कैसे चलाना है। और जो महिला नहीं चलाती है तो उसे ये सब चीज़ें, जैसे रिक्शा हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया या टैक्सी हो गई, ये सभी व्हीकल में वो जैसे पहले भी करती थी सफ़र वैसा कर सकती है। सिर्फ रिस्ट्रिक्शन कहाँ आता है, जब वो काफ़ी लंबा सफ़र तय करना चाहे तो, क्योंकि उस केस में अपने को ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि वो कौन से व्हीकल से जाती है, वो रूट कैसा है, वहाँ का रास्ता कितना, कैसा ख़राब है या अच्छा है, स्मूथ है कि नहीं, और कितना लंबा सफ़र तय करना है। क्योंकि यदि वो सफ़र 1-2 घंटे का है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि वो लंबा सफ़र करती हैं तो उसे काफ़ी समय तक के एकदम एक ही जगह पर बैठना है, जिसकी वजह से उसे कमर में दर्द भी हो सकता है, या कोई हमारे मेडिकल डिसऑर्डर भी रहते हैं, उसका 1-2 एग्जाम्पल देना चाहूँगी, जैसे कि प्लासेंटा प्रीविया है, पहले अबॉर्शन हुए हैं, या कभी ब्लीडिंग होती हो, तो ऐसे हमारे मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं जो कि हम पहले बताते हैं कि ये केस में वो उन्हें ट्रैवलिंग ज़्यादा नहीं करनी, लंबे समय की ट्रैवलिंग नहीं करनी है। मान लो खुद की कार से जा रहे हैं और बीच-बीच में रुक जा रहे हैं, तो वो बीच में जब भी रुकते हैं तो ये अच्छी बात होती है, क्योंकि इसमें वो थोड़ा बॉडी को रेस्ट मिलता है, थोड़ा स्ट्रेचिंग भी कर लेते हैं, वो उनको यूरिन लगी है तो मतलब उन्होंने थोड़ा अपने आप में प्रेशर के इफेक्ट में नहीं आना चाहिए इसके लिए। लेकिन लंबा सफ़र तय करना है तो वो कुछ हद तक के सही नहीं है। फिर भी ट्रेन की जो सफ़र आपने जो बताया कि अगर किसी बस रूट से जा रही है तो व्हीकल अच्छे होने चाहिए, रोड अच्छे होने चाहिए, तो मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि यानी किस तरह के धक्के नहीं लगे, चाहे ज्यादा झटके ना लगे। हाँ जी, हाँ, चाहे व्हीकल के बार बार ब्रेक मारने से या जो पुरानी गाड़ी हो उस तरह से नहीं हो, या रास्ते खड्डों से जो गड्ढे होते हैं उससे कोई तकलीफ नहीं। हाँ जी, तो अगर वो स्मूथ है तो फिर वो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर ठीक है। और ट्रेन की सफ़र भी जो है वो भी रिलेटिवली सेफ माना जाता है, क्योंकि वहाँ उन्हें थोड़ी फ्रीडम है, उठना बैठना सोना चल सकती हैं, उन्हें जब पेशाब के लिए जाना है तो उन्हें कुछ चीज़ अवेलेबल है, ऐसा यानी जहाँ पर वो फ्री हैं तब वो सफ़र सही है। जैसे कि और एक सफ़र जो ज़्यादा महिलाओं को आजकल ज़रूरी है वो है एयर ट्रैवल, काफ़ी महिलाएं पूछती हैं, तो एयर ट्रैवल भी अलाउड है, लेकिन इसके बारे में मैं स्पेसिफिक एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगी कि 12 हफ्ते तक के एयर ट्रैवल न करें तो बेहतर है, और 30 हफ्ते के बाद न करें तो बेहतर है। तो ये 12 से 30 हफ्ते के बीच में यदि एयर ट्रैवल करना है और खूब लंबा नहीं है सफ़र तो चल सकता है। यदि वो इंटरनेशनल ट्रैवल है तो उन्हें 30 वीक्स के अंदर में ही आना है, और दूसरी बात डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर के आना है। अच्छा। ताकि इमरजेंसी में, हाँ, ताकि एयर ट्रैवल के दौरान यदि उन्हें कोई तकलीफ़ हो तो उस टाइम में उन्हें इमीडिएटली कोई हेल्प मिल सकती है, वो पहले से उन्हें पता होता है,
तो ऐसी चीज़ें हैं। तो मतलब ट्रैवलिंग वो कर सकते हैं, कर सकते हैं, जरूरी सावधानी अगर वो बरतें तो वो कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ कर सकते हैं। और दूसरी बात है एक्सरसाइज के बारे में, तो एक्सरसाइज का इतना ही कहना चाहूँगी कि जो रूटीन काम है वो करते रहें, एक्टिव रहें, घर के काम जो रूटीन है वो करें, सिर्फ उसमें ज़्यादा वेट को लिफ्ट ना करें, ज़्यादा स्ट्रेनियस, बहुत ही स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेस हैं वो टालनी चाहिए। और नई एक्सरसाइजेस एकदम से यदि करना है, उन्हें योगा करना है और कुछ करना है, तो एक्सपर्ट के ओपिनियन के साथ ही करें, उनके सुपरविजन में करें, क्योंकि कई बार वो कुछ देख करके, कोई वीडियो देख करके, टीवी देख करके काफ़ी एक्सरसाइजेस न्यू करने लगती हैं जिसके लिए उनकी बॉडी तैयार नहीं रहती हैं, तो वो सही नहीं है। एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ में जितनी एक्सरसाइज करें वो ज़्यादा बेहतर होगा, सुरक्षित होगा। क्योंकि मेरा प्रश्न पूछने का उद्देश्य था कि इसमें दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक तो ये होता है कि अगर प्रेग्नेंट हो गई हो तो मुझे कोई काम नहीं करना है तो 9 महीने में आराम करूँगी, दूसरी अगर ये होता है कि उसे आराम की तो ज़रूरत है लेकिन घर के लोग जो होते हैं वो उसे काम करने लगाते हैं, यानी काम करना चाहिए करना चाहिए, तो दोनों के बीच का क्या रास्ता हो सकता है? ये दोनों भी चीज़ें सही नहीं है ना, कि पूरी तरह से आराम करना बिल्कुल सही नहीं है, तो एक्टिव नहीं रहेंगे, ब्लड सर्कुलेशन कैसा रहेगा, इसलिए पूरी तरह से आराम, तो हमारे मेडिकल कोई डिसऑर्डर है, कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें हम ही सलाह देते हैं, तो डॉक्टरी सलाह तब ठीक है। हाँ, पर अदरवाइज उन्हें आराम नहीं करना है, उन्हें एक्टिव रहना है ज़्यादा से ज़्यादा। और घर वालों की रही बात, तो उन्हें सबसे ज़्यादा मैंने वही कहा कि डॉक्टरी सलाह के अनुसार यदि रूटीन वर्क अच्छे से करते रहें, एक्टिव रहते हैं, कुछ हॉबीज़ डेवलप करते हैं, अच्छा अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, थोड़ा बहुत टहलने जाते हैं, वो एक्टिव रहना सबसे अच्छा है। एकदम स्ट्रेनियस एक्सरसाइज तो कर ही नहीं सकते ना, तो उन्हें करनी भी नहीं चाहिए, करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने यदि कोई कर्तव्य नहीं दिखाना है ना, अच्छी तरह से अपनी बॉडी को डिलीवरी के लिए तैयार करना है। रही बात ये नॉर्मल और सीजर, ये कोई इसके बारे में चर्चा करना ही मुश्किल होता है, क्योंकि डिलीवरी नॉर्मल आराम से हो सकती है कब, यदि उसकी सारे तीनों कंडीशन फुलफिल होती हो, यदि बच्चा बराबर से नीचे सरक गया हो, उसको बराबर से पेंस आ रहे हो और जगह अच्छी है, तीनों पी पैसेंजर पेल्विस या एन पेंस, यदि ये तीनों पी सही ढंग से चलते हैं तो एक्सरसाइज करें नहीं करें जो भी है, लेकिन उसकी डिलीवरी नॉर्मल होनी है। तो जो एक गलत फहमी है कि अगर हम एक्सरसाइज करें तो नॉर्मल होगी और शायद नहीं कर पाए, इसलिए सीजर होगा, ये कोई जरूरी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो एक्टिव बॉडी रहती है किसी के भी लिए, आम इंसान के लिए भी तो वही बातें जरूरी है। तो ऐसा ही है ये मित्र, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि फिलहाल में एक वीडियो बहुत लोकप्रिय हो रहा है जहाँ पर एक पूरी तरह से गर्भवती महिला है, वो वेटलिफ्टिंग करते दिखा रहे हैं, बहुत जोर जोर से दौड़ते हुए दिखा रही है या बहुत सामान उठाते हुए दिखा रहे हैं, तो कहीं से ये गलत मैसेज नहीं जाए कि ये सभी के लिए उपयुक्त है। मैं बता रही कि अगर आपको किसी नए तरह का व्यायाम करना, एक्सरसाइज करनी है, तो बहुत बेहतर होगा कि आप किसी एक्सपर्ट के, प्रशिक्षक के निगरानी में, मार्गदर्शन में ये चीज़ें शुरू करें, ना करें तो बेहतर है, और करना भी चाहें तो किसी ट्रेनर के अंडर में आप करें, तो कौन सी चीज आपके लिए जरूरी है कौन सी नहीं, वही इसका निर्धारण कर सकेंगे। जैसा ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी, आप बता रहे हैं कि अपने आप में एक नई अवस्था होती है, बॉडी की एक नई अनुभूति होती है, तो ऐसा होता है कि कुछ पुरानी बीमारी तो शरीर में आपने बताया कि वो तो पहले चेकअप से मालूम हो जाती, कुछ एक नई चीज़ें होती है जो नए डिजीज डिसऑर्डर होते हैं वो प्रेगनेंसी में हो सकते हैं और उसमें अपने को विशेष सावधानी देनी चाहिए। हाँ जी, ऐसी कौन सी बात है? हाँ जी, ये कुछ बीमारी है जैसे कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, मतलब वो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान आता है और फिर प्रेगनेंसी खत्म डिलीवरी के बाद में वो कम हो जाता है, ये एक बीमारी है। दूसरी है डायबिटीज़, डायबिटीज़ भी कभी कभी सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही आता है फिर कम हो जाता है। थर्ड है थायराइड डिसऑर्डर, तो ऐसे कुछ कुछ बीमारियाँ हैं जिसकी संभावना होती है, ज़रूरी नहीं कि किसी को हो ही जाएगी, लेकिन ये चेकअप में और कई बातों के द्वारा हम जान सकते हैं कि इन्हें यदि ये बीमारियां आती है तो उसका कैसा, उसकी कैसी ट्रीटमेंट की जाए, उस दौरान कैसी केयर ली जाए, पेशेंट ने क्या केयर लेनी है, डॉक्टर ने क्या केयर लेनी है, ये सब चीज़ें यदि आती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, क्योंकि उनको तो सुनते से एकदम झटका लगता है, एकदम झटका लगता है, नहीं हमको, हाँ बोले डायबिटीज है, हाँ तो घर में किसी को नहीं था। हाँ, ये कभी भी आ सकती है, ये तीन बीमारियां हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान आ सकती है, फिर और उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे इन्फेक्शन लगना, कोई स्किन के डिसऑर्डर लगना, ये कोई डेंटल प्रॉब्लम होना,
ये सारी चीज़ें तो है ही, या जैसे उन्होंने सही मात्रा में, जैसे मैंने कहा कि हीमोग्लोबिन अच्छा बनाए रखना है लेकिन इधर बच्चा बढ़ रहा है, तो एनीमिया होना यानी कि ब्लड का हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम हो जाना, ये सारी चीज़ें कभी भी प्रेगनेंसी के दौरान हो सकती है। कोई भी इन्फेक्शन, जैसे क्राउडेड जगह में गए उन्होंने ख्याल नहीं रखा, या कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसके संपर्क में आए वो इन्फेक्शन लग गया, तो ऐसी तो कईयों चीज़ें हैं जो उन्हें लगने का प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे आम इंसान को भी होता है वैसा प्रेगनेंट लेडी को भी हो सकता है। लेकिन यदि उनको होता है तो डरे नहीं, डरे नहीं, क्योंकि यदि वो डॉक्टरी सलाह के अनुसार चल रही हैं और चेकअप में हैं, तो जब कभी भी ये बीमारियां यदि दिखती हैं तो उसका पूरी तरह से ट्रीटमेंट होता है और अच्छे से वो प्रेगनेंसी की पूरी कर सकती है और प्रसूति भी हो सकती है अच्छे से। तो इसमें दो चीज़ें मैं जो समझ रहा हूँ कि अगर वो रेगुलर चेकअप में है तो ये बीमारी का पता लगेगा, बीमारियों का अगर अच्छे से निदान और उपचार नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी पर उसका फ़र्क पड़ेगा, बच्चे पे फर्क पड़ेगा, और अगर से वो अच्छे से इलाज करा रही हैं तो उनकी प्रेगनेंसी आउटकम एकदम अच्छे से अच्छा होगा। एक कुछ सिम्टम्स भी है डॉक्टर साहब, वो कैसे सिम्टम है, जैसे कि सडनली सब अच्छा चल रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा सर दर्द होना, या मचलाहट होना, या उल्टी हो जाना, चक्कर आना, कहीं पेट में काफ़ी दर्द हो जाना, यूरिन में इन्फेक्शन की वजह से जैसे ज़्यादा बार यूरिन जाना पड़े, या ऐसे कईयों चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस लगना, चक्कर आना, ऐसी कोई चीज़ है तो जो नॉर्मल सिम्टम नहीं है। अच्छा, यानी उसकी तो उन्हें लापरवाही नहीं करनी, लापरवाही नहीं करना है, ये तो नॉर्मल होंगे। हाँ, ऐसा नहीं, कभी नहीं करना है। यदि कोई नॉर्मल व्यक्ति हो और सडनली उसे कोई ऐसे एबनॉर्मल चीज़ें लगने लगे, जो कि ऐसे तो कई सिम्टम्स इसमें आते हैं, बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाना, खूब ज़्यादा भूख लग जाना, या बिल्कुल भूख न लगना, या नींद नहीं आना, ऐसी कईयों चीज़ें हैं, तो वो कोई चीज़ होती है तो वो भी अलार्मिंग सिम्टम्स बोलते हैं हमारी भाषा में। यदि अलार्मिंग सिम्टम्स उन्हें नज़र आते हैं तो डॉक्टरी संपर्क करें और सलाह लें। तो आपने कहा कि रेगुलर विजिट के अलावा अगर ये सब चीज़ें दिखती हैं तो उन्होंने वो छोड़ के भी उनकी सलाह लेनी चाहिए, लेनी चाहिए। मतलब मानते हैं कि ये पूरी जो हमारी यात्रा है उस महिला की, कि जहाँ से उसने कंसीव किया है, गर्भधारणा हुई है, पूरी प्रेगनेंसी गर्भावस्था अच्छे से संपन्न है, अब आ गया एक अंतिम नतीजे का क्षण कि जब वो महिला को प्रसूति होनी, डिलीवरी होनी है, इस समय में क्योंकि पूरा परिवार आशंकित है, महिला आशंकित है, कुछ डरे हुए से भी लोग हैं, बाहर में सब वेटिंग में सब चल रहा है, अंदर पूरी नज़र महिलाओं पर टिकी, तो आप तो डिलीवरी में लगी है पर बाहर की मनस्थिति बाहर के लोग जानते हैं, इस समय आप क्या सलाह देंगे? आपके प्रश्न का उत्तर डॉक्टर साहब काफ़ी लंबा है, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में इतना ही कहना चाहूँगी कि जिस भी महिला को पता है कि उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी डॉक्टर ने जो कही है उसके दौरान यानी उसी के आसपास के पीरियड में वो पूरी तरह से मेंटली फिजिकली तैयार हो, क्योंकि उसका बहुत अच्छा क्षण जब उसके हाथ में एक अच्छा बच्चा आने वाला है, वो उसका सबसे ज़िंदगी का सबसे अच्छा अनुभव, सबसे सुखद ऐसा अनुभव होने वाला है, तो उसके लिए वो तैयार रहे, ना कि वो डरी हुई हो। उसके लिए चाहे तो पूरी तैयारी कर सकती हैं, अपने कपड़े हैं, बच्चे के लिए कपड़े हैं, सूती ऊनी जितना भी है, उसके बच्चे को दूध पिलाने के लिए या जैसे भी उसके खाने पीने की सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें तैयार रखें, उसकी बैग तैयार रखें। यहाँ जी दूसरी बात है कि उसका एक जो ब्लड ग्रुप है उसका एक डोनर भी एक रेडी रहे, कभी भी समय पड़ सकता है, कभी काम पड़ सकता है, तो वो एक डोनर और दूसरे और दो तीन डोनर उसको पता रहने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि उसके ब्लड लगेगा, लेकिन जब समय पड़े तो वो तैयार हैं सभी लोग। फिर थर्ड बात ये है कि जब डॉक्टर बच्चों के छोटे बच्चे के डॉक्टर आते हैं तो उनके साथ में भी उनकी बात होनी चाहिए, उसके लिए भी वहाँ कोई रहना चाहिए। समझ लो बच्चे को कोई तकलीफ़ आ जाती है तो बच्चे को कहीं शिफ्ट करना पड़े तो उसके लिए कोई व्हीकल तैयार हो, यानी मतलब उनकी तैयारी पूरी तरह से, नहीं ज़रूरत पड़ी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस ये तैयारियाँ हो गई उसकी खुद की और रिलेटिव्स की, और बाकी फाइनेंशियली उन्हें जो एक्सपेंसेस लगने हैं सारी तैयारियों के साथ में हॉस्पिटल में आते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात में है। यदि नहीं आते हैं तो भी कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर वहाँ पर, जो डॉक्टर उसकी डिलीवरी कर रही है वो उसकी माँ के समान है, तो पेशेंट ने डरना क्यों है सबसे पहली बात। तो इसीलिए बहुत जरूरी चीज़ है कि जिस रेगुलर अगर जा रहे हैं तो वहाँ से जो संबंध बन रहे हैं बहुत अच्छे संबंध हो जाते हैं, और वो पेशेंट को अपने डॉक्टर पर पूरा विश्वास रखते हुए
जो सही है वही डॉक्टर करेंगे, ये मन में रखते हुए प्रसूति के लिए प्रसूति गृह में एंटर होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी आशंका तो ये होती है ना कि कहीं मुझे सीजन के तो नहीं कह देंगे, ये सबसे गलत बात है। और समाज में जो एक गलतफहमी है कि डॉक्टर लोग आजकल नॉर्मल की राह नहीं देखते, तुरंत सीजन ले लेते हैं। हाँ, इतनी गलतफहमी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी आफ्टर ऑल एक इंसान है, वो जो बच्ची है उससे डॉक्टर जुड़ जाती हैं और उसका सारा उसको पता रहता है। हाँ, ये बात अलग है कि जब माता में कोई तकलीफ है, यानी मतलब कि उसके जान को खतरा है या बच्चे की जान को खतरा है, ये तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसके अंतर्गत कभी सीजर करने का काम पड़ सकता है, मतलब ऑपरेशन करने का। लेकिन ये कब होता है, जब हमें कोई तकलीफ दिखाई दे। यदि कोई तकलीफ ही नहीं दिखाई दे रही है फिर इतना आशंका रखने की ज़रूरत नहीं। फिर भी मैं एक शब्द ज़रूर कहना चाहूँगी कि डिलीवरी जो है वो एक बड़ा प्रोसेस है, इट मे टेक लिटिल टाइम, यानी कभी 2 घंटे भी लगते हैं, कभी 2 मिनट भी लगती है, कभी 12 घंटे भी लगते हैं, कितना भी समय लग सकता है। उसके लिए प्रिपेयर रहे, डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करेगी कि नॉर्मल, यानी क्या है, एक डिलीवरी जो साधारण डिलीवरी पहले से सालों से जैसी हो रही है, नेचुरल प्रक्रिया, वो यदि हो रही है तो उसको कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकेगा, वो अच्छी तरह से होगी ही। और माता जो जो भी नेचुरल डिलीवरी में से गुजरी हैं उन्हें आप पूछ सकते हैं कि कितना सुखद अनुभव था। लेकिन यदि कोई कारण से यदि बच्चे को खतरा है और माता को खतरा है और ऑपरेशन करना पड़े तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि इस तरह से जैसे कि हम जिस सब्जेक्ट पर चर्चा कर रहे हैं वो क्या है, सेफ मदरहुड। सेफ मदरहुड में दो ही बातें और इम्पॉर्टेंट है कि ना केवल जानकारी लेना लेकिन कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करना, मतलब हमारी डॉक्टरी लैंग्वेज में मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टलिटी कम करना। मॉर्बिडिटी मतलब कोई बीमारियाँ है यदि आती हैं तो उसमें से उसका उपाय निकालना, और मॉर्टलिटी मतलब मृत्यु। हाँ, तो मृत्यु रोकने के लिए भी कभी कभी कोई चीज़ का सहारा लेना पड़ता है डॉक्टर को। तो मैं जो समझाऊँ कि अगर सीजन हो या नॉर्मल हो तो अंतिम निर्णय जो होगा वो जो डॉक्टर उनका होगा। हाँ जी, कोशिश पूरी होगी कि नॉर्मल होकर, कोशिश पूरी। और जहाँ आपने एक शब्द माँ जोड़ दिया कि जो चिकित्सक वो माँ के रूप में है, तो कहीं शंका का कोई स्थान ही नहीं रहेगा। हर पेशेंट ने अपनी जो डॉक्टर हैं उन्हें बस वही रूप में देखना चाहिए, और चर्चा करते रहो, अपने संबंध अच्छे रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जो सबसे अच्छी बात माता वो पेशेंट के लिए होगी, जो माँ बनने वाली है उसके लिए सबसे अच्छी बात जो होगी वो ही डॉक्टर करेंगे। इस बात का आपने पहले ही मतलब उतना समझ लेना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उनके लिए पहला अनुभव, पर जो इतने अनुभव चिकित्सक उन्होंने कितनों को माँ बनाए हैं और वो सब अनुभव से निकली हैं वो लोग। हाँ जी मैम, अब चूंकि हम चर्चा के अंतिम मोड़ पर हैं तो इस महत्वपूर्ण दिवस पर आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो सभी दर्शकों को एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि जो भी लड़की की शादी होती है और उसे गर्भवती होना है तो वो सबसे पहले एक सलाह डॉक्टर से ज़रूर ले ले, यदि पॉसिबल है तो, और उसके बाद में पॉसिबल नहीं है तो जब भी वो गर्भवती होती हैं तो जल्द से जल्द, जितना हो सके जल्द, डॉक्टर की पहली जांच कर ले, यानी वहाँ से ही उन्हें सारी आगे की जानकारी, आगे की ट्रीटमेंट, आगे के पूरे होने वाली संभावना है सबके बारे में अच्छी जानकारी मिल जाती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत सुरक्षित वैसे ही महसूस करने लगती है। और अंतिम पड़ाव जब आता है, मतलब प्रसूति का, उस समय और उसके बाद के 2 महीने वो भी हमें कभी नहीं भूलने चाहिए, जिसको हम बोलते हैं PNC, मतलब पोस्ट नेटल केयर। हाँ, पोस्ट नेटल केयर भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। और फिर बच्चा जब हाथ में आता है सुरक्षित रूप से तो उसे भी सुरक्षित रखें, यानी उसे भी वैक्सीनेशन प्रॉपरली दें, उसे पीडियाट्रिशियन से चेकअप करवाएं, आगे सारी चीज़ों के बारे में समझ करके जब वो गर्भवती बनती है तब उसे जो अनुभव होता है वो उसका मेरे हिसाब से बहुत सुखद अनुभव होता है। और वो चाहे तो एक प्रेगनेंसी, उसके बीच में कितना इंटरवल कैसे लेना चाहिए, फिर दूसरी प्रेगनेंसी चाहिए तो कब चाहिए, इसके बारे में सलाह, नहीं चाहिए तो क्या उपाय करना, मतलब सुरक्षित मातृत्व एक ही बार नहीं होता है। सुरक्षित मातृत्व हम तभी बोल पाएंगे जब कोई भी एक महिला है वो अपनी फैमिली प्लान करे, उसे एक बच्चा चाहिए, 2 बच्चा चाहिए, बीच में कैसा इंटरवल चाहिए, उसमें क्या क्या करना है, ना कि 2-4 एबॉर्शन हो जाए फिर दूसरा बच्चा हो, ये कहाँ सही है। सही यही सेफ मदरहुड उसी को कहते हैं जब ये पूरी जानकारी समझते हुए मातृत्व की ओर बढ़े।
तब उसे कहेंगे सेफ मदरहुड। बहुत अच्छे ढंग से आपने इस बात को स्पष्ट किया है कि केवल एक डिलीवरी हो गई, प्रसूति हो गई, तो वहीं पे वो प्रक्रिया खत्म नहीं होगी। मित्रों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर एक दिलचस्प जानकारी डॉक्टर जागृति जी शाह ने हमें दी है। हमारी कोशिश थी कार्यक्रम आपको अच्छा लगे, परंतु आपको कैसा लगा ये सूचना आप हमें स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर से या तो व्हाट्सएप से या प्रत्यक्ष सूचना द्वारा दे सकते हैं। हमारे दर्शकों को हमारी हमेशा से शुभकामना रही कि आपका भविष्य वर्तमान से अधिक उज्ज्वल, कल्याणकारी और मंगलमय हो। घड़ी की सुइयां हमें इंगित करें कि वापसी विदा का समय आ गया है, इस आश्वासन के साथ कि अगले हफ्ते एक नए विषय पर एक नए एक्सपर्ट के साथ फिर से चर्चा होगी। डॉक्टर जगदीश चिकन, जिस अनूठे विषय पर इतने रोचक ढंग से आपने हमारे दर्शकों को जो मार्गदर्शन किया है, इसके लिए हृदय से आपके आभारी। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।